अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन टू। और मैं अभी बाहर आई हूँ एक हंट पे। हंट ये है कि मैंने अपने लिए ट्राईपॉड लेना है। ओके, जाओ आप देख के। यू हैव इनफ टाइम टू गो एंड पिक नॉट अप फ्रॉम होम? नो, बिकॉज़ इट्स गोना बी लेट देन। या सो यस, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैं एक हंट पे हूँ ट्राईपॉड लेने के, बिकॉज़ काफ़ी दिनों से मुझे चाहिए था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया कि मेरा जो कंसंट्रेशन है वो उस पर नहीं रहा। अब फाइनली मैं वो रिबेलियस बच्चा जो बन जाता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ लेनी है, तो मैं वैसी हो गई हूँ काफ़ी दिनों से। तो आज फाइनली वो दिन आ गया कि मैं ट्राईपॉड एक दुकान पे गए हैं, वहाँ पे तो नहीं है। अब बाकी दो चार हैं नज़रों के सामने, उन पे जाएंगे, देखेंगे, पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यू नो ट्राईपॉड लेने के लिए। उससे ज़रा आसानी हो जाती है, यू नो आपके लिए इजी होता है बात करना विदाउट उसके ट्राईपॉड के। ऐसा होता है कि आपका हाथ दुखने लगता है जब आप बात कर रही होती हैं, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और फिर आपको समझ नहीं आती कि हमने क्या बात करनी है। सो मुझे विश मी लक, बिकॉज़ एक जगह से नहीं मिला और अभी हम एक और जगह जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे। मैं साथ साथ आपको अपडेट करती रहूँगी कि यू नो मुझे मिला है कि नहीं मिला। अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो मुझे वीकेंड का वेट करना पड़ेगा। और मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है अभी कि मैं वीकेंड तक वेट करूं ट्राईपॉड का। एक्चुअली मुझे किसी और रीज़न के लिए भी चाहिए, ऑब्वियसली व्लॉगिंग के लिए तो चाहिए ही, तो देखिए क्या बनता है। अब मैं जाती हूँ एक और जगह, देखती हूँ, क्योंकि 12 बजे मैंने रेयान को उठाना है। उससे पहले पहले मैं चाह रही हूँ कि मुझे मिल जाए, या मैं हर जगह देख लूँ जहाँ तक मुझे पता है इनके यहाँ पे हो सकता है। सो देखिए क्या बनता है। चलिए अब चलते हैं दूसरी जगह और जाके वहाँ से ढूंढते हैं। हाँ यस गाइस, मेरे ट्राईपॉड की ख़रीदारी की अपडेट मैं आप लोगों को दे दूं कि सो फार नाकामी चल रही है, बिकॉज़ जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं नहीं है उधर। पहले थे, बिकॉज़ एक दो जगह पे पहले मैंने देखा हुआ था, तो वो कहती हैं अब बिकते नहीं थे तो हम लेके नहीं आते, और मेरा दिल जो है वो टूटा जा रहा है। अब एक जगह और रह गई है जो लास्ट मेरी ट्राई है, वो मैं करूँगी, और उसके बाद फिर नहीं तो मुझे सैटरडे को ही लेना पड़ेगा वीकेंड पे जब हम लोग बाहर जाएंगे। मीनवाइल हम लोगों को भूख लग रही थी, तो हमने निम्को लिया खाने के लिए। काफ़ी टाइम के बाद लिया निम्को, अच्छी लगती है। हाँ, बिकॉज़ जब आपको पता है लड़कियाँ बाहर आती हैं, तो उनका साथ में कुछ खाने का भी ऐसे होता है कि अब कुछ खाएं। हम लोग जब बहनें बाहर आती हैं तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, अकेले अकेले जब आएँ तब इतना दिल नहीं होता। वैसे भी मेरे फ्रूट के टाइम पे मैं चल रही हूँ तो सांस फूल रही है। मेरे फ्रूट के टाइम पे मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने फ्रूट खाया ही नहीं है, तो मैं ऐसे ही आ गई हूँ। तो अब हम जाएंगे उस जगह पे, मैंने कहा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं, और अब जाएंगे उस जगह पे, उसके बाद मिस्टर रेयान को लेंगे और फिर बाकी चीज़ें होंगी। मैं ज़रा अपना बैग रख लूं। अभी मुझे पेट्रोल स्टेशन भी रुकना पड़ेगा, पेट्रोल स्टेशन भी रुकूंगी, अभी पेट्रोल भी डलवाने वाला है, और ये सब कुछ चल रहा है। गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट फील कर रही हूँ, लेकिन ठीक है, अभी तक एक उम्मीद है मेरे पास। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो चलो सैटरडे तक वेट करते हैं फिर। चलिए मैं अब इसमें पेट्रोल डलवा लूँ और उसके बाद एक और जगह जाके देखती हूँ, और उसके बाद फिर आप लोगों से बात करती हूँ। आप लोगों को मेरे एक्शन से तो पता चल ही गया होगा कि नहीं मिला मुझे लास्ट जगह से भी ट्राईपॉड नहीं मिला। मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट फील हो रहा है।
अब सैटरडे तक वेट करना पड़ेगा। वो दिन जब आप कोई चीज़ सोच के घर से निकलो कि यू नो इसमें शायद मुझे कामयाबी मिले या मैं ये चीज़ खरीद लूँ, उस दिन वो नहीं होता। जिस दिन आप ऐसा सोच के निकलो कि नहीं आज नहीं मिलेगी ये चीज़, उस दिन मिल जाती है। सो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा सोच के निकली थी कि नहीं आज तो मिल जाएगा, इतनी सारी शॉप्स हैं कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक है, फिर अब सैटरडे तक वेट करना पड़ेगा एंड दिल को थोड़ा सा करना पड़ेगा कि ठहर जाओ, सैटरडे आ जाए फिर ले लेना। एंड अब मैं खाऊंगी निम्को दिल को हल्का करने के लिए। जब आप सैड हो तो भी खाने को दिल करता है, हैप्पी हो तो भी खाने को दिल करता है, लेकिन आज मैं निम्को खाऊंगी बिकॉज़ आई एम फीलिंग सैड। और चल कुड़िए कट डेनू बार, उसके बाद मैं जाऊंगी रेयान को लेने बिकॉज़ ऑलरेडी जो है वो ये देखें पूरा नहीं खाऊंगी थोड़ा ही खाऊंगी ऐसे जस्ट अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। 12:15 हो गए हैं, अब रेयान को लाने का भी टाइम हो गया, उसके बाद उसको कुछ खिलाऊंगी और फिर हम लोग घर जाएंगे। और बाकी आप लोगों को तो अंदाज़ा हो ही गया कि जिस चीज़ के लिए मैं निकली थी वो मुझे मिली नहीं है। बहुत बुरा लगता है जिस दिन आप कोई चीज़ सोच के निकलो और वो चीज़ आपको ना मिले। मैं साथ साथ खा के अपने आप को कंसोल कैमरा कीजिए। इस चीज़ के लिए मैं ट्राईपॉड लेना चाह रही थी कि आराम से कैमरा आप उसमें फिक्स कर दो और आपके लिए ईजी होता है बात करना भी। तो चलिए अब चलते हैं, जाके रेयान को लेते हैं और उसके बाद फिर घर जाऊंगी। और फिर बाकी तो आपको पता ही है कि मैं सैड हूँ। आज के वीडियो में आई थिंक मैंने कॉन्टीन्यूसली आप लोगों को ये कहना है कि आपको पता है कि मैं सैड हूँ बिकॉज ऑफ व्हाट, कि मुझे ट्राईपॉड नहीं मिला। और जिस दिन मुझे मिल जाएगा उस दिन मैं कहूँगी आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि मुझे ट्राईपॉड मिल गया। सो ये जस्ट दिस इज़ द वे इट इज़। चलिए जाके लेते हैं रेयान को और उसके बाद बाकी बातें आपसे होंगी। गाइस ये है मेरा आज का लंच, आप देख सकते हैं देखने में कितना यमी लग रहा है। ये है पालक और साग की सब्ज़ी, उसके अंदर मटन डाला हुआ है, साथ थोड़े से राइस एंड रोटी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो इसमें से खुशबू आ रही है ना बटर की, वो इतनी मज़े की लग रही है कि बस मुझे वेट नहीं हो रहा कि मैं कभी उसको ट्राई करूँ खाऊँ। और जब आपको अच्छा खाना मिल जाए वो भी माँ के हाथों का, तो आई थिंक उससे ज़्यादा कोई और अच्छी चीज़ नहीं होती। आई थिंक आई एम वेरी वेरी लकी कि इस एज में भी मुझे रोज़ माँ के हाथ का खाना खाने को मिलता है एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैट। और जस्ट मैं जल्दी से इसको खा लूँ फिर, इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए इसका मज़ा नहीं आएगा। साथ साथ मैं खाना खाऊंगी और साथ साथ मैं टीवी देखूंगी। टीवी में एज़ यूजल बिग बॉस लगा हुआ, यही टाइम होता है हम लोगों का खाने के साथ देखने का। और उसके बाद मैंने वीडियो भी एडिट करनी है, रेयान सोया हुआ है सो उसके सोते सोते सारे काम हो जाए, मैं जस्ट जल्दी से अब अपना लंच करूंगी और उसके बाद फिर मैं आपको मिलूंगी। सो शाम के 8:30 हो चुके हैं और दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने वीडियो एडिट की, ज़ोहर पढ़ी, फिर असर टाइम पे पढ़ी। और शाम की रूटीन आप लोगों को पता है कि जो भी होता है बच्चा फिर हस्बैंड, और जस्ट ऐसे ही था। तो मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ दिखा के बोर नहीं करना चाह रही थी। एंड शाम की एक्टिविटीज़ वही होती हैं, कपड़े बाहर से उतारो। हमारे घर में कपड़े तकरीबन रोज़ ही धुले जाते हैं बिकॉज़ माशाल्लाह हम बहुत बड़ी फैमिली हैं, हम लोग 8 मेंबर हैं फैमिली के, तो ज़ाहिर है कपड़े भी उसी तरह होते हैं और रोज़ चेंज होते हैं कपड़े, सो इसलिए ज़्यादा धुले जाते हैं। वो उतारे, फिर रेयान का आज मूड नहीं था अंदर आने का तो वो बाहर खेल रहा था। आज शाम को हमने सबस चाय पी, काफ़ी दिनों के बाद। वैसे जो विंटर है उसमें हम लोग सबस चाय पीते हैं बिकॉज़ अच्छी लगती है सबस चाय शाम को, सर्दियों में बहुत मज़ा आता है। तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को सबस चाय पी के। मौज़म जो है वो बकरहानी के साथ लेते हैं, मैं जस्ट ऐसे ही लेती हूँ बिकॉज़ मुझे ऐसे ही उसका मज़ा आता है। कुछ लोग फ्रूट ड्राई फ्रूट्स डालते हैं उसमें, बट हम लोग नहीं डालते, मुझे तो वैसे ही उसके साथ इतना टेस्ट नहीं आता। सिंपल सबस चाय का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन सबस चाय पीता है सर्दियों
गर्मियों में, बिकॉज़ हमारे घर में तो होता है मीसू भाई, बिकॉज़ उसका जो कहवा है उसको निकालते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, उस वो ही एक मेन चीज़ होती है कि उसका कलर अच्छे से निकले, तो वो सुबह ही बना देती हैं उसको, तो वो फिर हम शाम को जो है वो उसमें दूध मिला के पीते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सो चाय पी एंड इधर उधर के सारे काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने टाइम पे अपनी सारी नमाजें पढ़ी हैं, कल की तरह नहीं था कि अगली होने वाली है और मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे हैं कि मैंने पहली वाली नमाज नहीं पढ़ी हुई। आज मैंने कहा कुछ भी हो जाए, व्लॉगिंग जो मर्जी हो सब कुछ करो, लेकिन नमाज सबसे पहले टाइम पे पढ़ो, तो वो मैंने आज सारी अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें टाइम पे पढ़ी हैं, तो वो मेरा एक टारगेट था, इसलिए भी शाम को मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई, बिकॉज़ बैक टू बैक प्रेयर्स होती हैं, उनके बिटवीन में काम होते हैं, सो शाम अक्सर ऐसे ही जाती है, तो मैंने कहा सेम चीज़ आप लोगों को नहीं दिखाना चाहती, सुबह की जो एक्टिविटी है वो मैंने जैसे आप लोगों को दिखाया था, दिल मेरा टूटा हुआ था, लेकिन उसके बाद यू हैव नो अदर ऑप्शन, अब ये है कि सैटरडे को इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे और देखो अब क्या बनता है, मैंने ज़्यादा उम्मीद लेके जाना नहीं है, वीडियो जो है वो मैंने अपलोड होने पे लगा दी है ताकि आप लोगों को जो वीडियो है वो कल सुबह तक इंशाल्लाह मिल जाए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज थर्ड डे है कॉन्टीन्यूसली जो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो अच्छा फील हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है अपना हट सी फील हो रही है और अच्छा महसूस हो रहा है, और आप लोगों का जो प्यार आ रहा है वो उससे भी ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है मुझे, आप लोगों के प्यारे प्यारे मैसेजेस, लाइक्स, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, और मैं उम्मीद करूँगी कि मैं अपने आप को डे बाय डे ग्रो करूँ, और आप लोग भी मुझे बताइए और क्या वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, मेरी एक सिस्टर है जिन्होंने मुझे लिखा है कि आप कुकिंग की वीडियोस बनाएं, सो उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया मुझे दिया है, एंड इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं काम करूँगी, आज मेरे मुझे वो कीड़ा आपने डाल दिया, अब इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं ज़रूर काम करूँगी, और कुकिंग वीडियोस के लिए आपको एक डिफरेंट स्पेस चाहिए होती है जो कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं मैनेज कर पाऊँ, और ये था आज का मेरा दिन, आई डोंट नो कि मेरी वीडियो छोटी थी या जैसी भी थी, बट जो भी था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन, एंड इंशाल्लाह विल सी यू विद माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।